ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2017 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2016 में ई वेस्ट 2 मिलियन टन का था, लेकिन अभी तक देश में ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई काम नहीं किया गया है। हाल ही में आई ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2017 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में विश्व भर में 4,47,00,000 टन ई वेस्ट हुआ, जिसमें से केवल 8.9 मिलियन टन यानी केवल 20% ई वेस्ट ही रिसाइकल हुआ। सबसे ज्यादा ई वेस्ट 18.2 मिलियन टन एशिया में हुआ, जो विश्व का 40% है। ई कचरे में मुख्य रूप से मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शामिल हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में केवल साल 2016 में ही 2 मिलियन टन ई कचरा हुआ, इसमें आयात किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है। देश में मोबाइल और दूरसंचार उपकरण ई कचरा बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कुल ई कचरे का लगभग 12% है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ई कचरा 2018 में 3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। देश में 70% ई कचरा उद्योगों से आता है, जबकि 15% घरों से। हालांकि भारत में साल 2016 में ई कचरा प्रबंधन नियम पारित किया गया था, लेकिन अभी भी देश में ई कचरे का सही तरीके से निपटारा नहीं किया जाता है। ई कचरे को असुरक्षित रूप से खुले में जलाया जाता है या फेंक दिया जाता है। इससे निकलने वाले ज्यादातर रसायन जैसे लेड, कैडमियम, क्रोमियम, ब्रोमिनेट और पॉलीक्लोरिनेट्स बायफिनाइल्स इनफ्लेमेबल होते हैं और इनसे निकलने वाली गैस वातावरण को प्रदूषित करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में लगभग 1 करोड़ लोग सीधे तौर पर मैनुअल रिसाइकलिंग ऑपरेशन से जुड़े हैं। देश के कुछ प्रमुख शहरों में फॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकल सेक्टर बनाए गए हैं, लेकिन ये काम कब से करेंगे इसका पता नहीं है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।